टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी में सभी और रजत की शादी की रस्में चल रही है। एक हफ्ते से सभी और रजत के परिवार में जश्न का माहौल है। हालांकि शादी की ये डगर सभी और रजत के लिए आसान नहीं होने वाली है। शादी से ठीक पहले सभी और रजत को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी में अब तक आपने देखा शवि की शादी से पहले शांतनु और ईशा इमोशनल हो जाती हैं। वहीं ईशा शवि को शादी के मंडप में लेकर जाने के लिए तैयार करती है। शवि को दुल्हन के लिबास में देखकर ईशा को अपने बेटे ईशान की याद आती है। इसी बीच शवि और रजत की कहानी में एक और बवाल होने वाला है। सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी में के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे आशिका शवि और रजत की शादी तोड़ने का फैसला करेगी। शवि और रजत को अलग करने के लिए आशिका अतीत का सहारा लेगी। शवि को आशिका बताएगी कि रजत का एक बेटा भी है। एंटरटेनमेंट न्यूज के गलियारे की माने तो रजत के राज के बारे में जानकर शवि का दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसे में शवि रजत से शादी न करने का फैसला करेगी। इतना ही नहीं शवि दावा करेगी कि वो आशिका के हक में कोर्ट में गवाही देगी। रजत शवि को समझाने की कोशिश करेगा। परिवार के लोग भी शवि को ऐसा न करने के लिए कहेंगे। शवि के कहने पर शवि शादी करने के लिए राजी हो जाएगी। इसी बीच सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी में ईशान की एंट्री हो जाएगी। सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी में ईशान के आते ही हंगामा मच जाएगा। ईशान शवि को शादी न करने के लिए कहेगा। वहीं ईशा भी अपने बेटे को देखकर काफी इमोशनल हो जाएगी। इस अपडेट पर आपका क्या कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।